Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are safe and sound at your place. Welcome to our aptitude class. Because today is Saturday, or every Saturday, we have our which class? Aptitude class. Okay, so welcome to our aptitude class. So, upon your aptitude book, page number 9. ओके सो आज सैटरडे है और आप सब जानते ही है एवरी सैटरडे हमारा कौन सा क्लास होता है एप्टीट्यूड का क्लास होता है ना. तो सब अपने एप्टीट्यूड की बुक निकालेंगे एंड कौन सा पेज नंबर 9. अभी आपको पता है एप्टीट्यूड में हमें क्या करना होता है, मैचिंग ही करना होता है ना. बहुत ही सिंपल है, हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी है. यहाँ पे ऐसे बॉक्स दिया गया है, देखो आपको लेटर के साथ नंबर के साथ लेटर को मैच करनी है. ये हमने हमारा असाइनमेंट 1, 2 असाइनमेंट 4 फिनिश हो गई है. आज हम क्या करेंगे, असाइनमेंट नंबर 5. असाइनमेंट 5 देखो, ये सब हमारा जो है ये असाइनमेंट 5 है. तो असाइनमेंट 5 में क्या लिखा है देखो, असाइनमेंट नंबर 5, Many butterflies have met on the leaves. Look closely, 1, 2, 6, and match the same pictures A to F. ये हमने जो भी हमारा assignment था पहले 1, 2, 4 में, हमने ऐसे ही किया था नहीं. पहले दो पार्ट में दिया जाता है, देखो ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 1 में आपको 6 पिक्चर दिया गया है, पार्ट नंबर 1 में आपका 6 पिक्चर है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. एंड पार्ट 2 में भी 6 पिक्चर है, बट डिफरेंस क्या है, पार्ट 1 में नंबर वाइज उसका काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड पार्ट 2 में लेटर वाइज अल्फाबेटिकल, देखो A, B, C, D, E, F. तो यहाँ पे 6 पिक्चर पार्ट 1 में है, 6 पिक्चर पार्ट 2 में है. पिक्चर सारे सेम ही है, किसका पिक्चर है देखो, यहाँ पे लीव्स में बटरफ्लाईज की पिक्चर है. आप सबने बटरफ्लाई देखा होगा ना, कितने सारे कलरफुल बटरफ्लाईज होते हैं. तो यहाँ पे कलरफुल बटरफ्लाईज है लीव्स के ऊपर बैठे हुए हैं. तो आपको मैचिंग करने, देखो हर एक पिक्चर में ए 1 लीव है, 2 बटरफ्लाई है. तो आपको कैसे किसको साथ मैचिंग करनी है, आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लुक क्लोजली, बहुत अच्छे से देखना है आपको पिक्चर को, एंड पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 का मैच करनी है. करना कैसा है, पिक्चर में तो सारे सेम ही है, देखो जैसे 1 लीव है, 2 बटरफ्लाई है, बट मैचिंग कैसे करनी है आपको देखो, यहाँ पे जो बटरफ्लाई का कलर है वो अलग अलग है. देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट 1 थोड़ा सा पर्पल, लाइट पर्पल कलर का है, और ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है ना. बटरफ्लाई जो है कलरफुल होते हैं, नहीं बहुत सारे कलर के होते हैं. तो यहाँ पे देखो जैसे लीफ सब में 1 लीव है, लीफ 1 ही है, 1 लीव है, लीफ है, बट कलरफुल बटरफ्लाई देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नंबर 2 में 2 जो बटरफ्लाई है उनका कलर सेम ही है. नंबर 2 में जो बटरफ्लाई है उनका कलर सेम है, दोनों ही ऑरेंज कलर का है. यहाँ पे जैसे नंबर 4 में दोनों लाइट पर्पल का ही है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बटरफ्लाई ऑरेंज कलर का है, बट उसका कलर मतलब उनका प्लेस थोड़ा चेंजेस है. देखो यहाँ पे ये दोनों ऐसे स्ट्रेट आमने सामने है ना. तो ऐसे ही आपको पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 का जो लीफ में बटरफ्लाई बैठे हुए हैं उसको मैच करनी है. तो देखो नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 में देखो, यहाँ पे लाइट पर्पल कलर का एक बटरफ्लाई है और एक ऑरेंज कलर का. तो नंबर 1 में देखो उनको जिस प्लेस में वो बैठे हैं, पार्ट 2 में ऐसा कहाँ पे है, नंबर सी में. देखो यहाँ पे भी एक पर्पल कलर का और दूसरा ऑरेंज कलर का बटरफ्लाई है, दोनों का प्लेस भी सेम है. देखो दोनों हैंड, मैंने दोनों फिंगर 2 पिक्चर में रखा है, आप देख सकते हो दोनों एकदम सेम टू सेम है. दोनों का, दोनों बटरफ्लाई का कलर भी सेम है और जो प्लेस उनका है वो भी सेम टू सेम है. ऊपर
पर्पल वाला बटरफ्लाई है एंड नीचे ऑरेंज वाला, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे एक के वन के बाजू में क्या लिखेंगे, ए के साथ पार्ट टू में कौन सा मैच हो रहा है, नंबर सी। तो ए के बाजू में हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ओके, वैसे ही नंबर टू, नंबर टू में देखो दोनों ही बटरफ्लाई का कलर सेम ही है, ऑरेंज कलर का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे है न, दोनों बटरफ्लाइज ऑरेंज कलर के, नंबर ए। ए में देखो यहाँ पे दोनों का प्लेस जहाँ पे, ये दोनों जहाँ पे लीव में जहाँ पे बैठे हैं, ये दोनों भी वहाँ पे बैठे हैं। तो नंबर ए के साथ कौन सा मैच हो रहा है, नंबर टू। नंबर टू के साथ कौन सा मैच हो रहा है, नंबर ए। तो हम एक नंबर टू यहाँ पे लिखा है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, ए, मतलब टू नंबर के साथ ए नंबर मैच हो रहा है। ओके, वैसे नंबर थ्री, नंबर थ्री में देखो दोनों बटरफ्लाई का कलर कौन सा है, पर्पल कलर का है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है कहाँ पे दो बटरफ्लाई का कलर कलर पर्पल है। यहाँ पे दो, देखो यहाँ पे दो लीफ में बटरफ्लाई का कलर सेम, दो पर्पल है। बट आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, उनका स्पेस प्लेस देखनी है कहाँ पे बैठे। देखो यहाँ पे जैसे ये दोनों थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ये ऊपर नीचे है और यहाँ पे राइट लेफ्ट में बैठे हैं। तो थ्री के साथ कौन सा मैच होगा, ये वाला एफ। ये देखो ये थ्री, मैंने दोनों फिंगर दो पिक्चर में रखा है, आप देख सकते हो दोनों सेम टू सेम है। ये इनका प्ले, ये दोनों जहाँ पे बैठे हैं ये भी वहाँ पे बैठे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस उनका चेंज हुआ है ना, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। थ्री के साथ कौन सा मैच होगा, थ्री के साथ मैच होगा एफ। तो हम थ्री के साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ। ओके, वैसे ही नंबर फोर, नंबर फोर में देखो ये सेम ही है, दो ही बटरफ्लाई है, बट ये देखो नंबर अभी हमने देखा था ना, ये सेम ही दो बटरफ्लाई का कलर सेम है, और बी में भी देखो दो बटरफ्लाई का कलर सेम ही है और उनका प्लेस भी सेम ही। देखो ये जैसे राइट लेफ्ट बैठे हैं, ये भी वैसे ही लीव में राइट एंड लेफ्ट बैठे हैं, है ना। तो ये दोनों सेम टू सेम है, आप देख सकते हो ना पिक्चर में एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। एक ही लीव में दोनों का कलर भी सेम है, दोनों का बैठने का प्लेस भी सेम है। तो फोर नंबर के साथ कौन सा मैच होगा, नंबर बी। तो नंबर फोर लिखा है, हमें यहाँ पे क्या लिखनी है, बी लिखनी है। ओके, वैसे ही ये देखो नंबर फाइव, ये भी दोनों ही बटरफ्लाई के कलर सेम है, ऑरेंज कलर का है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो नंबर ई और नंबर फाइव दोनों सेम है, दोनों वहाँ पे भी टू बटरफ्लाई है जिसका कलर सेम है और उनका बैठने का प्लेस भी सेम टू सेम है। देखो ऊपर नीचे बैठे हैं, यहाँ पे भी ऊपर नीचे बैठे हैं, मैंने फिंगर रखा है यहाँ पे, है ना सेम टू सेम। तो फाइव नंबर के साथ कौन सा मैच होगा, ई। तो हम फाइव के साइड में यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, है ना। देन नंबर सिक्स, नंबर सिक्स में वन ऑरेंज कलर का है, वन पर्पल कलर का है, और पहले नीचे पर्पल है ऊपर ऑरेंज है। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे है, सारा हमारा हो गया है, तो बाकी कौन सा रह गया, ये वाला। देखो डी, डी में नीचे पर्पल है, सिक्स में भी नीचे पर्पल कलर का है बटरफ्लाई, ऊपर ऑरेंज कलर का है, इसका भी ऊपर ऑरेंज कलर का ही है। तो देखो यहाँ पे सिक्स एंड डी बिल्कुल सेम टू सेम है, तो सिक्स नंबर के साथ कौन सा मैच होगा, नंबर डी। तो हम यहाँ पे सिक्स लिखा है, हमें क्या लिखनी है, यहाँ पे डी लिखनी है। तो ये ऐसे ही, मतलब आपको मैचिंग का लाइन ड्रॉ करना नहीं करनी है, सिर्फ आपको अच्छे से पिक्चर को देखनी है, क्या डिफरेंस है देखनी है, और दोनों को पार्ट वन के साथ पार्ट टू को मैच करनी है। पार्ट वन में नंबर है, पार्ट टू में अल्फाबेट है, ए बी सी डी है। तो नंबर के साथ आपको लेटर को यहाँ पे मैचिंग करनी है। ओके, है ना, बहुत इजी, आई होप आप सब अच्छे से कर पाओगे, है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।